फिलवाड़ा के आजाद नगर में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरसात के भरे पानी से बेहाल है। स्कूल प्रांगण में भरे पानी के कारण बच्चों को स्कूल के अंदर जाने में भी समस्या हो रही है। यही नहीं, पानी भरे होने के कारण मच्छर भी पैदा हो रहे हैं और बच्चों में बीमारी का भी खतरा है। विद्यालय प्रशासन ने इसकी सूचना शिक्षा विभाग को दी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण बच्चों के परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। क्षेत्रवासी गुणवंत जैन ने कहा कि स्कूल परिसर रोड से नीचे होने के कारण इसके खुले प्रांगण में बरसात का पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण स्कूल भवन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कीचड़ के कारण बच्चे इससे निकल नहीं पाते और कई बार वे कीचड़ से भी सन जाते हैं। यहां पर मिड डे मील से आने वाले खाने का ऑटो भी कई बार फंस गया, जिसे क्षेत्रवासियों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला था। यही नहीं, विद्यालय प्रांगण में गाजर घास भी भारी मात्रा में फैली हुई है, जिसके कारण बच्चों में दमा और श्वास संबंधी तकलीफें हो रही है। वहीं अध्यापक श्यामलाल शर्मा कहते हैं कि हमने शिक्षा विभाग को इसके बारे में सूचित किया है। पानी भरे होने के कारण बच्चों को आने जाने में समस्या होती है, लेकिन यहाँ पढ़ाई सुचारू रूप से जारी है। हमारा प्रयास है कि पानी को जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, पिछले 5-6 दिन से एक एक 1.5-1.5 फीट पानी भरा हुआ पड़ा है। मैंने माननीय जिलाधीश महोदय को फोटो खींच के व्हाट्सएप किया, फोन पे भी बात की, एडिशनल डीओ आए, फोटो खींच के ले गए, पर न तो यहाँ पर पानी से की निकासी का कोई इंजाम हुआ है, न गाजर घास को हटाने की कोई व्यवस्था हुई है। ये 3 दिन से पानी भरा हुआ है सर, और परेशानी तो पानी को बाहर निकलवाने की है। अगर मेन गेट के पास में पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाएगी, और मैं इसके लिए पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत जल्दी कर दूंगा। पानी इसलिए भरा हुआ है कि स्कूल के चारों ओर रोड ऊपर पानी बह करके बाहर नहीं निकलता है। अगर स्कूल की बाउंड्री के अंदर जो है भराव भरवा दिया जाए तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी सर।